हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय और आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट जानने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जो अगले 7 मिनट में मरने वाला है? वो इंसान या तो आपके फैमिली का होगा या फिर रिलेटिव्स, किसी भी ऐसे इंसान को जो अगले 7 मिनट में मरने वाला है। अगर ऐसे इंसान को आपने देखा है तो एक बात आपने गौर की होगी, वो इंसान पूरी तरह से डरा हुआ होता है। उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा डर हमें देखने को मिलता है कि मानो कोई ऐसा राक्षस हमारे सामने खड़ा है जो हमारी जान निकाल रहा है। उसके आँखों से आंसू निकलते हैं, उसके पैर से लेकर हाथ थर थर काँपने लगते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, हमारे बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक का पूरा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है हमारे न्यूरल एक्टिविटी के थ्रू। हमारा जन्म के बाद हम बोलने लगे, फिरने लगे, फिर स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज में आए, फिर रिलेशनशिप में आए, फिर मैरिज हुई, बच्चे हुए, बच्चे की शादी हुई, बुजुर्ग हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पूरे हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, स्वप्न के थ्रू हमें दिखाया जाता है। इसीलिए उस इंसान की ज़िंदगी के आखिरी 7 मिनट में उसकी हालत हमें कुछ इस तरीके की दिखती है कि वो पूरा का पूरा घबराया हुआ होता है, उसकी आँखों से आंसू हमें देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर टू, अक्सर हमें कहा जाता है कि नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से दूर रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। सुबह जल्दी उठना पॉजिटिविटी है, देर से उठना नेगेटिविटी है। सच बोलना पॉजिटिविटी है और झूठ बोलना नेगेटिविटी है। सबके साथ मिलजुल कर रहना पॉजिटिविटी है, सबके साथ हमेशा झगड़ा करते रहना नेगेटिविटी है। स्त्रियों का सम्मान करना पॉजिटिविटी है, हमेशा स्त्रियों को नीचा दिखाना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना नेगेटिविटी है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है? तो साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी नेगेटिव बातों को सुनते हो किसी इंसान के थ्रू या किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो आपके अंदर की 5 पॉजिटिव बातें इरेज हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपने इस बात को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो आपने खाना बनाया है उससे कई अधिक ज़्यादा वो खाना आपको अच्छा लगता है जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया हो, हालांकि दोनों लोगों ने सेम रेसिपी इस्तेमाल की है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। जय हिंद।